अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भैया आज हम आए हैं वर्ल्ड टूर करने, यानी कि वर्ल्ड पार्क में। अब इतने पैसे तो हैं नहीं कि वर्ल्ड टूर कर सकें, तो हमने सोचा कि जनाब क्यों ना हम वर्ल्ड पार्क ही आ जाएं। चाइना में जो है वो हर चीज़ की कॉपी मिलती है आपको, तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड टूर भी आसानी से करवा सकते हैं ये। और ये आ गया मेरा शहजादा। ऐसे लग रहा है जैसे शाही किले की एंट्रेंस से दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में शाही किले में जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी इतना बड़ा सा गेट होता है। तो ये है जी वर्ल्ड पार्क, हम अंदर एंटर हो चुके हैं और अब जनाब किसी एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और फिर आपको सारी दुनिया का विजिट करवाएंगे। इसको ना भाई चला, बस चलने फिरने के लिए जगह चाहिए होती है, फिर ये दौड़े लगाता है। है ना। इसका नाम नहीं लिखा हुआ, कहाँ पे है? बीजिंग का ये अपना जो जहाँ पे परेड होती है। नहीं, फॉरबिडन सिटी का इस तरह से तो नहीं है। ये दो जो मूर्तियाँ आई हैं, मुझे एक तो अरस्तु की लग रही है, एक जो है वो अफलातून की हो। ये कोई चर्च है, ये चर्च है, ये देखे स्लीव स्लीव सारी। हाँ। पता नहीं कौन सा चर्च है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। अच्छा भी थोड़ा सा आगे आके ही ना यहाँ पे ये फ्रेश जूसेस और डिफरेंट फूड आइटम्स की शॉप्स हैं, अगर किसी को भूख प्यास लगे तो वो यहाँ से लेके खा सकता है। वो बहुत बड़ा पार्क है, तो सारा डिस्कवर करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना जल्दी जल्दी सारी सारी जगहों पर जो है वो जाएँ, एक ही जगह पर ज़्यादा टाइम मत लगाएँ। और ये आ रहे हैं राफे और अबू राफे, से हेलो। हेलो कर दो। हेलो से हेलो। इस तरह के फ्लावर्स हर जगह पे उगाए हुए हैं। एंट्रेंस पे हमें इस तरह के नज़र आए थे, हमें लगा आर्टिफिशियल हैं, लेकिन ये तो रियल हैं भाई, रियल हैं। स्विंग्स वगैरह और रोलर कोस्टर भी है यहाँ पे, ये देखें। अभी मेरे ख्याल में चल नहीं रही, इतने लोग ही नहीं हैं, लेकिन एक वो सामने स्विंग है वो चल रहा है। तो जो लोग शौकीन हैं इन चीज़ों के लाइक शेस, तो वो इन्जॉय कर सकते हैं इन चीज़ों। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा भी ये बड़ा ही मुश्किल सा नाम है, कैसल। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन सा कैसल है। न्यू हाँ दिन अचंग पाओ है, मैंने चाइनीज़ में पढ़ लिया, मुझे इंग्लिश में नहीं पढ़ना आया, ये हाल है। अच्छा जी जर्मनी में है ये, इस तरह के कैसल्स कैसल्स लिखा है, तो यानी कि एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, यानी कि उस तर्ज पे बना हुआ है। और ये बाकी सारा तो साइडों पे ग्रास ही उगी हुई है, ग्रास ने ही छुपाया हुआ है, और बैक साइड से ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो जो ग्रास की बेलें वगैरह जो है ना छुपाया हुआ था दीवारों को। स्कूल का ट्रिप आया हुआ है। हेलो, डोंट जज माई इंग्लिश, मैं कोई इतनी अच्छी नहीं हूँ इंग्लिश में, इसलिए आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, सो गलत प्रोनाउंस करने से बेटर है, मैंने बता दिया, अभी मुझे नहीं आता। और अभी हम लोग पहुँचे हैं, ये है जी 4000 साल पुरानी है कंट्री ब्रिटेन, स्टोनहेंज वो क्या होता है। अच्छा साउथ वेल्स से जो है ना ये शिप किए गए थे, और दूसरी जो है ना समंदर वगैरह से। एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना ऑफर सेक्रीफाइसेस एंड हेल्ड रिलीजियस सेरेमनीज। अच्छा ये जगह यूज़ की जाती थी रिलीजियस सेक्रीफाइसेस। और अभी मैं आप लोगों को पेरिस लेके आई हूँ, आप लोगों के लिए स्पेशल मैं पेरिस आई हूँ आप लोगों को आईफल टावर दिखाने के लिए, एंड दिस इज़ द आईफल टावर।
सामने न्यूयॉर्क सिटी है, आप लोगों को न्यूयॉर्क भी दिखा रही है। बस कोई रेस्टोरेंट लग रहा है खेमे टाइप, अंदर टेबल्स और चेयर्स पड़ी हैं, अभी इस वक्त बंद है, पता नहीं कब खुलता होगा, लेकिन अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। हेलो, और एक ये ब्रिज है मन्नत ब्रिज यहाँ पे ऊपर सारे इन्होंने वो बांधे हुए हैं, यहाँ पे लोग आके मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पे ये बांध के जाते हैं। यहाँ पे भी रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, ये देखें डिफरेंट लोगों ने अपनी दुआएं मन्नतें लिख के यहाँ लटकाई हुई हैं। पुष्पेंदु बाजी सीधा इंडिया नहीं समझते हैं हमें, शायद मैंने जो है ना ये बांग्लादेशी स्टाइल का ड्रेस पहना हुआ है। ये है जी पिरामिड्स ऑफ मिस्र, अभी आपको जाके फिरौन भी दिखाते हैं। पिरामिड्स के अंदर इन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं, आई गेस कुछ म्यूजियम टाइप है। और ये है जी यहाँ पे, ये देखें ये हैं फिरौन बनाए हुए हैं, एक बेचारे का तो वो ही बेचारा, खैर क्या हुआ उसका, टूट गया हुआ है बूथा शरीफ और बाकी ये तीन सही हैं अभी। ये है जी अबू सिंबल बासबा टेम्पल, उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा यहाँ पे ऊंट भी बिठाया हुआ है, मिस्र की पूरी पूरी फील दी हुई है। बिग स्फिंक्स, ये शक्ल बंदे की बनाई हुई है और बॉडी जो है ना वो किसी जानवर जैसी है, तो पता नहीं क्या है ये। और अभी हम पहुंच चुके हैं जी ज़ू, वो पांडा ऊपर चढ़ा हुआ हटके, हेलो करो आप उसको, अच्छा बोलो गो गो, जाओ 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 बकरे जाओ, आजो आगे चले मैं, जाओ जाओ एंड दिस इज ब्रिज ऑफ बॉस्पोरस स्ट्रेट। अभी आप लोगों ने तुर्की का ब्रिज देखा और ब्रिज के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ, दिस इज ट्रोजन हॉर्स और वो है आया सोफिया। ये सारी मतलब इर्द गिर्द जो जगह हैं ये तुर्की को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड दिस इज आया सोफिया। अभी हम आया सोफिया आ गए हैं और मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ घूम के इसको, और ये सामने है ख्वांखलो है ये
और अभी हम लेके आए हैं आप लोगों को दीवारे चीन पे। चलें जी, आप लोगों को इस वीडियो में ही दीवारे चीन दिखा देते हैं। जिस तरह से पंजाबी में कहा जाता है ना, जिन्हें लौड़नी तकिया जमया नहीं, इसी तरह से ये ग्रेट वॉल के लिए भी एक कहावत है कि जो ग्रेट वॉल पे नहीं आया बंदा ही नहीं है वो, जिसका मतलब ये है चाइनीज़ कहावत का। तो अभी हम चल रहे हैं जी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सारी दुनिया का जो है ना आपको आज मैंने विजिट करवा दिया बिना टिकट बिना पैसों के। ओह माय गॉड, चढ़ाई तो इसमें भी करनी पड़ी है। अगर इसमें भी चढ़ाई करनी पड़ी है, जो असल वाली है उसमें तो बहुत ही ऊपर जाना पड़ता है। हो ये एक चौकी पार कर ली है। चौकी तो नहीं थी, खैर छोटा सा ये वो पड़ाव था, वो है दूसरी चौकी। ये चाइनीज के जो न्यू ईयर होते हैं ना, हर एनिमल के नाम पे देते हैं। ये वो हैं 12 एनिमल्स का नाम के साथ रिलेट करते हैं हर साल को। चलें जी अब इराक चलते हैं। चलें भाई, अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया। तो आप लोगों को लेके चलती हूं मैं ताजमहल। और अभी हम आ गए हैं जी मस्जिद अक्सा के पास, और इसको देख के दिल पे थोड़ी सी उदासी आ गई है कि जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन में, बस अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए और रहम करे उनके हालात पर और मस्जिद अक्सा की हिफाज़त फरमाए, आमीन। अच्छा भी मैं बड़ी नाराज़ हो रही थी कि इन लोगों ने पाकिस्तान की कोई भी चीज़ नहीं रखी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो शायद इस साइड पर आए नहीं थे, तो हमारे नज़दीक ये था कि पाकिस्तान की कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन छोटू सा पार्ट पाकिस्तान का भी ऐड कर ही दिया है इन्होंने, और ये रहा जी आलमगीरी गेट, किला का जो एंट्रेंस का एक गेट है आलमगीरी गेट, द ग्रैंड पैलेस ऑफ थाईलैंड। ओके भाई, पार्क फिर के बस हो गई है, हमारी पैरों ने जवाब दे दिया है। मुझे तो बहुत मज़ा आया आज, अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दूसरा दिन बहुत अच्छा गुजर गया। तो उम्मीद है आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने भी मेरे साथ हमारे साथ इंजॉय किया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।